हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस योर ब्लॉग। और गाइस फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो हम निकल रहे हैं अभी और आगे आगे पता लगता रहेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो रेडी वेडी हो गए हूँ, क्या रेडी हो गई, पैकिंग रात कर ली थी, 3:30 बजे रात सोए और सुबह टाइम से उठ गया, नींद भी डबी हो गई है, पता नहीं क्या क्या रखा क्या भी रखा, कुछ भूल जाऊँगा मैं सीरियसली, कुछ ना कुछ भूला हूँगा। हो गई हमारी पैकिंग डन और रैबा ले आई ब्रेकफास्ट। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ और इसे भी नहीं थी, हम निकल गए। मम्मी सुबह से उठी हुई है, मम्मी ने बहुत टाइम से उठाया, 4 बजे सोई थी, फिर सुबह ही उठ गए। और ये समी, समी को भी रात भर बहुत टेंशन थी क्योंकि इसके मेहमान आ रहे थे दिल्ली से कोई, तो अभी निकलते फटाफट, फैजान हमें छोड़ने जा रहा है। चलो चलो, गुड मॉर्निंग समी। और समी भाई हमारा लगेज लेकर आ रहा है फटाफट, गाड़ी तो ऑलरेडी बहुत गंदी रहती है मेरी, कोई बात नहीं। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं, फैजान हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने जा रहा है क्योंकि यहाँ से हमारी दिल्ली की ट्रेन है। तो अभी फैजान जा रहा है, साथ में समय जा रहा है। और रैबा, हाउ डू यू फील बेबी? बहुत अच्छा। कैसा एक्साइटमेंट है? डर लग रहा, क्यों ऐसी? बट कितनी दूर जा रहे हैं फैमिली से हम लोग अकेले, इसलिए ये मक्खन ना, मैं परेशान हूँ इन मक्खन होते। तो गाइस ट्रेन आ गई है और अभी हम निकल रहे हैं फटाफट जल्दी से। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और अभी हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए, और वहाँ से हमारी फ्लाइट है वो रात की है, तो अभी हम निकल चुके हैं, मिलते हैं जल्दी आगे। तो भाई चलने वाली, थैंक यू सो मच, क्रेविंग हो रही थी हमें, तो भाई को हमने फ़ोन करा हलीम के लिए। और थैंक यू भाई, थैंक यू जा रहे हैं आप लोग? अरे बस भाई, चलिए बहुत बहुत बनाओ यार, मैं कर रहा हूँ। तो भाई अब जाने पहुँचने वाला था, शिव भाई को फ़ोन कर दिया था, हलीम की क्रेविंग हो रही थी, मैंने हलीम ले आइएगा मैं खा लूँगा, तो ले आए वो, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और रैबा हार गई है, इससे पहले मैं जीती। कोई सबूत? हाँ, तो वो उस टाइम ब्लॉग शूट नहीं कर रहे थे। कोई सबूत? मैं हूँ ना वो सबूत। तो गाइस रैबा फिर हार गई और अभी आपने देखा मैंने लाइट नहीं गया यार, रैबा हार गई है, मुझसे ऐसी हारती है, घर से भी हारती रहती है और ऐसी हारती है मुझसे, और इनने बैंड लगाई थी 100 रुपीज़ के, मुझे पैसे ये जुआ वाला काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, ये यही करते मैं नहीं करती, इसमें ये अल्लाह नाराज होता, मैं इसमें काम करती हूँ। ये जुआ नहीं है तो एक फन एंजॉयमेंट का है, 2000 100 रुपए दो। कोई सबूत कितने लगाई? इसमें रिकॉर्ड है, अभी दिखा रहा हूँ। तो अभी हमने शुएब भाई से मंगाया था कुछ खाने के लिए, रैबा क्रेव, तो थैंक यू बोलना चाहिए शुएब भाई को, आपने ला के दिया। लेकिन ट्रेन निकलने वाली थी, एंड क्रेविंग आजकल कुछ ज़्यादा हो रही है, या इधर हो या गड़गड़ में हो, क्रेविंग ज़्यादा रह रही है आजकल। तो भाई और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, इसलिए मैंने लेके रख लिया यार। बचपन में कभी खड़े होके गए हो यहाँ पे? तुम गए हो ऐसे? ये छिछोरे वाले काम लड़के करते, लड़के कभी नहीं करते। रैबा से वेट हो रहा नहीं हो रहा था, तो भाई जल्दी ट्रेन में बैठे। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली, रैबा दिल्ली आ गई तो फाइनली जर्नी स्टार्ट है हमारी। और अभी हाँ यार, क्योंकि रात भी लेट नाइट सोए थे, और अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं क्योंकि रात की हमारी फ्लाइट है, तो अभी कैब आ रही है, जब तक उसका वेट कर रहे हैं। खाना भूख तो लग नहीं रही होगी? मैंने कर लिया अपना कोटा पूरा। बिल्कुल भाई, रास्ते भर गाते हुए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो गाइस अभी भागते भागते आ रहे हैं, पसीना आ गया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भाई, पूरा रोड ब्लॉक, पैदल पैदल चले, ऑटो चेंज करी, दो दो ऑटो चेंज करी, रहे रखिए रखिए बैग में है, सब है बैग में, है पानी है बैग में, ले लो। और भाई बहुत आ गए मेट्रो पे, फिर देख रहे हो बिल्कुल बहुत ज़्यादा यार ट्रैफिक था, रैबल की चोट लग गई सर पे, इतनी तेज लगा है इसके, जल्दी जल्दी में भाई लेट हो गए हम बहुत ज़्यादा। हम लेट नहीं हुए, हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला इस वजह से हम लेट हो गए। हाँ तो लेट तो हो गए ना। फाइनली टिकट वगैरह हमने बोर्डिंग ले लिया, सीट चेंज हो गई थी हमारी, फिर दोबारा हमें काउंटर पे गए, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट पहुँचे हम, लेकिन फिलहाल टाइम से पहुँच गया, तो अभी चलते हैं चेक इन के लिए फटाफट। एंड गाइस सबसे ज़्यादा लेट हो गए थे, सबसे लास्ट बोर्डिंग करी हमने, हम तो बाहर ऐसे मजे कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे रेवा और मैं, था नहीं लास्ट में कॉल आई भाई, कंटिन्यू 2 किलोमीटर रन करा होगा हमने, और फिर कॉल आई, हाउ डू यू फील, एंड क्योंकि रैबा का फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है तो उसको एक्साइटमेंट है बहुत रैबा को, एंड चलते भाई अभी पहुँचते फटाफट। मेट्रो के लिए बाहर निकालें, इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां, इन्हें निकाल सके। तो गाइस अभी डिनर आ गया, भूख लग रही थी, रैबा ने तो भेज लिया पर मैंने भी भेज लिया है, क्योंकि मैं बाहर वाला, क्योंकि मैं बाहर का नॉन वेज मैं खाता नहीं हूँ, तो फाइनली अलहमदुलिल्लाह लैंड हो गए हम। कैसा रहा एक्सपीरियंस रैबा? बहुत अच्छा।